सामग्री उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई करेगी जांच, गहलोत सरकार ने की सिफारिश। मकराना में 30 साल की महिला से गैंगरेप, दो बहनों को चाकू की नोक पर रखकर की वारदात। अठारह प्लस वैक्सीनेशन के टीके लगाने आए लोगों की लंबी कतारें, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश दी है। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे। एनकाउंटर के बाद से ही प्रजापत समाज के लोग आक्रोशित रहे और लगातार मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके लिए संघर्ष समिति का भी गठन किया गया, जिसने मुख्यमंत्री गहलोत ने मुलाकात कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अब सिफारिश कर दी है। पिछले दिनों विधायक मदन प्रजापत ने सीबीआई जांच की मांग की थी और इसे लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मकराना थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाहिता अपनी बहन के साथ शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी। इस दौरान गांव के ही एक युवक ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। युवक ने चाकू की नोक पर दोनों को जबरदस्ती ट्रैक्टर में बिठाया। इसके बाद सुनसान जगह ले जाकर युवक ने अपने दो अन्य साथियों को बुलाया और तीनों ने विवाहिता से बारी बारी दुष्कर्म किया। इसके बाद विवाहिता को बंधक बनाया। दोनों विवाहिता बहनों ने जब घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी बात बताई। रविवार देर रात मकराना थाने में आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। पीड़ित और उसकी बहन की शादी मकराना थाना क्षेत्र के कोलिया डूंगरी गांव में एक ही घर में हुई। दोनों बहनें 24 मई को जब शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी, इस दौरान रास्ते में गांव के रहने वाले मांगीलाल गुर्जर के बेटे देवकरण ने चाकू की नोक पर दोनों बहनों को धमकाकर ट्रैक्टर में बिठाया और गांव से बाहर सुनसान जगह ले गए। आरोपी देवकरण ने अपने दो और साथियों को बुलाया। देवकरण सहित तीनों आरोपियों ने 30 साल की विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कोला डूंगरी गांव है जहाँ की दो महिलाओं ने थाने पे उपस्थित होकर के रिपोर्ट दी है। रेप संबंधी रिपोर्ट है जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। अनुसंधान सीओ मकराना श्री रविदास सिंह शेखावत साहब द्वारा किया जा रहा है। मुलजिम की तलाश जारी है। टीमों का गठन किया गया है। टीमें रवाना की गई है। सरकार में मुलजिम को पकड़ने का प्रयास जारी है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में रविवार को जयपुर रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 प्लस के युवा कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए आए। लोगों की यहां लंबी कतारें लग गई, जिससे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। जैसे ही टीका लगने की खबर लोगों के कानों में पड़ी तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ अस्पताल परिसर में पहुंची। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे रहे। धूप में वैक्सीन लगवाने आए लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली। अस्पताल प्रशासन ने टीकाकरण सेंटर पर पुलिस के जवान को तैनात किया था, लेकिन भीड़ के आगे वे भी बेबस नजर आए। टीकाकरण सेंटर पर जाकर लाइनों में लगे युवाओं से जब जानकारी ली तो पता लगा कि वे लोग काफी दूर से आए हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई कि आखिर में पुलिस जाप्ता बुलाना पड़ा और कई लोगों को बिना टीका लगवाए बेरंग लौटना पड़ा। हिंडौन सिटी से है जहां नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव घोंसला निवासी दो दिन से लापता एक युवक का शव सोमवार को गांव के पास गंभीर नदी के पेटे में बने शमशान में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को हिंडौन के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। तीन डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं और जांच शुरू की। डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि नई मंडी थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव घोंसला के पास गंभीर नदी के पेटे में बने शमशान में एक युवक का शव मिला है, जो दो दिन से घर से लापता था। इस सूचना पर नई मंडी थाना प्रभारी दिनेश कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक युवक राजकुमार उर्फ राकेश सिंह राजपूत 40 पुत्र गिरिराज सिंह के भाई राजवीर सिंह ने बताया कि राजकुमार दो दिन से घर से लापता था। परिजन उसे तलाश रहे थे।
सोमवार को ग्रामीणों के साथ राजवीर जब गांव के शमशान स्थल पर टीआरएस में शामिल होने पहुंचा तो राहगीर ने जानकारी दी कि नदी के पेटे में एक युवक भी बेसुध अवस्था में है। ग्रामीणों ने जाकर देखा तो राजवीर अपने बड़े भाई राजकुमार को पहचान गया जो मृत अवस्था में था। इसकी सूचना महू पुलिस चौकी के प्रभारी प्रेम सिंह को दी गई। उन्होंने नई मंडी थाना प्रभारी दिनेश कुमार को अवगत कराया। एक व्यक्ति की डेड बॉडी सूचना के हमारी चौकी पुलिस थाना पुलिस और मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम करौली से बुलाई गई, एमओजी टीम करौली से बुलाई गई। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण की क्या जानकारी मिली कि ये जो व्यक्ति है मृत व्यक्ति है जो राजकमर उर्फ राकेश सिंह भोसला निवासी है, जिसकी उम्र 40 वर्ष करीब है, जो 29 दिनांक 29 को सुबह 7 बजे घर से जाना बताया। उसके बाद ये घर नहीं पहुँचा है और परिवारिक जनों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की बात दर्ज कर दी। तो पोस्टमार्टम में प्रथम दृष्टि क्या है? अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम करवाने के बाद में बॉडी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बोर्ड से विस्तृत वार्ता और मेडिकल बोर्ड की राय के बाद ही इस विषय में नई मंडी थाने वाले डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल की मोर्चरी में आए। उन्होंने पीएमओ के द्वारा बोर्ड गठित किया गया, 3 सदस्य लिए गए, इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के उसके जो राजेंद्र सिंह और राजकंवर की मृत्यु प्रथम दृष्टया सस्पेक्ट देखी गई और बाकी हमने उनके इसका प्रिजर्व कर लिए हैं। सर इसमें क्या कोई चोट वोट के निशान? हाँ, चोट के निशान पाए गए, चोट पैर में और गर्दन पे चोट के निशान पाए। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर ओपी मीना, डॉक्टर जेपी मीना, डॉक्टर। खबर मोदरान से है, जहां निकटवर्ती गांव खेड़ा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते भीषण गर्मी में पानी को लोग तराशते नजर आ रहे हैं। खेड़ा के उप सरपंच प्रतिनिधि रफीक खान ने बताया कि पानी की पाइप में जड़ के जमा हो जाने से पानी की सप्लाई बंद हो गई। इसके चलते ग्रामीण और पशु पीने के पानी की किल्लत से परेशान हो गए। लोगों ने मिलकर जलदाय विभाग का घेराव किया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग हरकत में आया। लाइनमैन ने पाइप की खुदाई कर पाइप में फंसी पेड़ की जड़ को निकाला। पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से शुरू किया गया। पानी की आवक को देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी खपत ज्यादा होती है, ऐसे में पानी बचाने का भी संकल्प किया गया। खबर भीलवाड़ा से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट पर सुवाणा सरपंच संघ के सरपंचों ने हुड़ा तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने एसडीएम ओम प्रभा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। सुवाणा सरपंच संघ अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा, हुड़ा तहसीलदार स्वाति झा जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए जा रहे कार्यों को नहीं कर रही, वे मनमानी पर उतर आती हैं। स्वाति झा ने जिस तरह विधायक रामलाल जाट का फोन रिकॉर्ड कर उसे वायरल किया, उसका वे सब विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस महामंत्री राजू जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हुड़ा तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आज हमने हुड़ा तहसीलदार स्वाति झा के जो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच जिनका कार्य समय पर नहीं करती है और अपने पद का अपने उसके विरोध के अंदर ये ज्ञापन दिया है, जो हमारे विधायक महोदय ने भी उनके उनको फोन करने के ऊपर उनका ऑडियो वीडियो वायरल कर रही है और इतना ध्यान अगर अपने कार्य में दे तो कार्य से ही हो और सरपंचों का जो प्रतिनिधि का वहाँ पर उनको कार्य की अवहेलना करती है और बार बार उनको बोलने पर भी काम नहीं करती समय के ऊपर, इसके विरोध में हमने स्वाति झा के विरोध के अंदर ये ज्ञापन दिया है। लगभग हम 15 सरपंच बता रहे हैं, नहीं आगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम विरोध करेंगे इसका और पूरा भिलवाड़ा जिला सरपंच संघ विरोध करेगा इसका। हुड़ा तहसीलदार स्वाति झा जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और उसको पहले ही पता था कि मैंने पैसे मांगे और कोर्ट सिस्ट है, उस जमीन का नामांतरण खोल दिया, नकल देने के लिए आनाकानी कर रही, नकल देते ही उसको पता है कि पटवारी करदावर और तहसीलदार सस्पेंड होगी, ट्रांसफर हुआ उसके ऊपर स्टे लेके आ गई, स्टे ट्रांसफर पर मिला, निलंबित पर तोड़ मिला, एपीओ करने पे तोड़ मिला, स्थानांतरण पर स्टे, स्टे रहने दो, निलंबित हो जाएगी, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि फोन करेगा, जनता उसके पास जाएगी, फोन ही नहीं करेगा किसी अफसर को, ये तो अफसर की तनाशाही। इसलिए हमने मांग की है कि 2-4 दिन में उसको हटाया जाए, यहाँ से निलंबित की जाए, नहीं करेंगे तो फिर उग्र आंदोलन होगा। सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा द्वारा और सर्व समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
खबर सीकर से है, जहां नीमका थाना टोडा ग्राम पंचायत दीपावास की भैरव जी की बनी में स्थित गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला जारी है। गौशाला के चारों ओर से 30 से अधिक गायों के कंकाल पड़े हैं। स्कूली छात्रा मनीषा कसाना ने मृत गायों के कंकाल का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तब जाकर गौशाला संचालकों की नींद उड़ी और मृतक गायों के कंकालों को खाई खोद कर जेसीबी से दफनाया गया। इन गायों की मौत इसी महीने में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इन गायों को गौशाला संचालकों ने पास में खाली पड़ी जमीन में डाल दिया, जहां बहुत बुरी तरह से वातावरण दूषित हुआ। स्कूली छात्रा मनीषा कसाना ने मृत गायों के कंकालों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद वीडियो को देखकर गौशाला संचालकों की नींद उड़ी और मृत गायों के कंकालों को खाई खोद कर जेसीबी से दफनाया गया। गौशाला संचालकों से मृत गायों के कंकालों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 21 मई को रात को आई आंधी से गौशाला का टीन शेड गायों के ऊपर गिरा, जिससे 20 दर्जन गायों की मौत हो गई। साथ ही गौशाला के सचिव लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृत गायों की सूचना उपखंड कार्यालय में दे दी गई थी। गौशाला में 242 गायें हैं, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। दीपावास के स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत गायों के नदी में बने अनिकेत के पास गिराया जा रहा है। यह निकट बारिश के टाइम में भर जाता है, जिसमें आसपास के पशु पानी पीते हैं। लोगों को डर है कि इसी दूषित पानी को पीने से पशुओं में बीमारी फैल सकती है। तो वहीं गौशाला से 20 मीटर की दूरी पर पशु चिकित्सालय का लाखों रुपए की लागत से बना भवन तैयार है, लेकिन उस भवन पर ताला है, ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर। दीपावास ग्राम पंचायत लाखों रुपए की लागत से नया चिकित्सालय भवन भेज की बनी में बनाया गया, जिसमें ताला लगा है, ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर। तो वहीं इलाके के लोगों ने बताया कि करीब 1 साल से कोई दवाई देने वाला कर्मचारी भी नहीं है। लोगों को दवाई लेने के लिए 8 किलोमीटर दूर टोडा जाना पड़ता है। खसाना गांव बुजूवाला से हम सभी सुबह सुबह खेल के मैदान में खेलने जाते हैं, तभी मैंने वहां देखा कि बहुत सारे मृत गायों के कंकाल वहां गिरे हुए थे। तभी मैंने इस बात को लेकर गौशाला संचालकों से बात की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तभी मैंने इस बात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी। तब जाके गायों को दफनाया गया और उन्होंने बताया कि यहाँ गायें कुपोषण की शिकारी हो रही हैं। देखने लायक बात तो यह है कि गौशाला से 50 गज की दूरी पर ही पशु चिकित्सालय होने के कारण भी गायों की यही स्थिति। नरसिंहपुरा में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रविवार को ही मामूली बरसात से राहत तो मिली, लेकिन सूर्यदेव ने एक बार फिर अपने तेवर तेज कर दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने सेवा करते हुए बस स्टैंड पर रागी रोहित तो ठंडे पानी के मटके रखे। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा और मांजुवास के बस स्टैंड पर सेवादारों ने शीतल जल के 10 मटके रखे। सेवादार अशोक माहिया ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्रियों हेतु शीतल जल की व्यवस्था नहीं होने से रागीर परेशान थे। इसे ध्यान में रखते हुए गांव के युवाओं ने शीतल जल हेतु मटके रखे और सतपाल नाथ का पानी कैंप पर काम होने से उन्होंने घरों में रोजाना ठंडा पानी भरने की बात कही। खबर पाली के देसुर से है, जहां घाटे के पंजाब मोड़ पर सोमवार दोपहर को अचानक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर मौत हो गई। हादसा चारबुजा थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार सैनिटरी आइटम से भरा एक ट्रक चारबुजा से देसुरी की तरफ आ रहा था। इस दौरान ट्रक अचानक असंतुलित होकर पंजाब मोड़ पर पलट गया। हादसे में एक के ट्रक के नीचे दबने से तो दूसरे की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर चारबुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को सड़क किनारे करवा कर यातायात व्यवस्था बहाल की। पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।